पेपर वन का ये सातवां चैप्टर कंटिन्यूएशन में है। क्वेश्चन नंबर 21 है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द एमसीक्यू प्रॉब्लम्स ऑफ एमसीक्यू ऑफ लाइन। ये लाइन के लिए एमसीक्यू लास्ट पीरियड में स्टार्ट हुए वाले हैं। उसमें 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। देन क्वेश्चन नंबर 21 के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है। ये क्वेश्चन नंबर 21 में ये y यानी 3j और ये z
प्लस यानी वॉट माइनस टू के है, देखो ये प्लस आता x माइनस एक्स वन y y1 छठ माइनस छठ वन और ये b b के लिए क्या है माइनस थ्री आई प्लस टू जे प्लस के देख लो आप वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन ना क्या ये अल्फा यानी अल्फा के लिए क्या है जीरो आई प्लस सेवन जे माइनस सेवन के यानी सेवन जे माइनस सेवन के मालूम है डिस्टेंस अल्फा माइनस ए इसका स्क्वायर अल्फा माइनस ए डॉट बी बाय मॉड बी इसका होल स्क्वायर और ये रूट है ना, दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ये अल्फा माइनस ए देखो क्या है हमारे पास अल्फा माइनस ए कहां से कहां पर ले सकते हैं अल्फा माइनस ए हाँ क्या ये माइनस है ना क्या था ये वन माइनस यानी वॉट माइनस आई देन थ्री माइनस फोर थ्री माइनस सेवन यानी माइनस फोर देन माइनस टू माइनस माइनस प्लस यानी प्लस क्या था ये फाइव हाँ देन अल्फा ए अल्फा माइनस ए डॉट बी डॉट यानी समझता डॉट डॉट यानी डॉट प्रोडक्ट क्या है ये पहला इंटू दूसरा पहला यानी वॉट माइनस वन माइनस फोर फाइव और बी यानी वॉट बी यानी माइनस थ्री टू वन क्या है ये माइनस माइनस प्लस थ्री माइनस क्या आता ये और प्लस फाइव राइट ये दोनों का डॉट ये दोनों का डॉट जीरो आ रहा ये दोनों का डॉट जीरो आ रहा और इसका मॉड ले लो मॉड यानी समझता इसके लिए अल्फा माइनस ए का मॉड मैग्नीट्यूड 1 प्लस 16 प्लस 25 यानी अंडर रूट ऑफ 42 यानी इसको ले लो डिस्टेंस यानी व्हाट ये इसका है ना मॉड का स्क्वायर यानी 42 माइनस 0 बाय ये अंडर ये 0 होता है ये कंप्लीट विल बी 0 हां ये छोड़ दो इधर यानी व्हाट इसका क्या है हमारे पास इसका रूट यानी डिस्टेंस विल बी अंडर रूट ऑफ 42 ये है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ये क्वेश्चन नंबर है हमारे लिए 23rd क्वेश्चन नंबर 23rd के लिए ये पूरा पहले होना है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन यानी अल्फा ये अल्फा है हां देन ए पासिस थ्रू x - x1 / a y - y1 / b z - z1 / c ये a और ये b है ना ये अल्फा माइनस ए ये अल्फा माइनस ए इनटू डॉट ये डॉट का प्रोडक्ट विल बी 0 देन ये मैग्नीट्यूड है इसका मैग्नीट्यूड है यहां पर ये और ये क्या है ये डॉट 0 ये एक ये दो यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 42 इसके लिए ऑप्शन नंबर है हमारे पास ए याद रखो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए देखो हाँ क्वेश्चन नंबर 24 हाँ क्वेश्चन नंबर 24 के लिए क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम हाँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट है ए यानी व्हाट एक्स वन वाई वन जेड वन इसके लिए माइनस वन टू माइनस थ्री डिस्टेंस है डी इक्वल टू थ्री आगे ए बी सी रेशियो है हमारे पास 2 3 6 मालूम है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ये लाइन है ए है ये हमें सपोज बी होना यू हैव टू फाइंड बी ये दोनों का डिस्टेंस है क्या ये डी है देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर एक्स वन वाई वन जेड वन अब ये बी होना वी हैव टू फाइंड बी ये डी है हमारे पास ये रेशियो है यूजिंग रेशियो यू विल गेट कोसाइन समझता है कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन 2 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर 36 यानी कितना था ये 2 बाय 7 3 बाय 7 और 6 बाय 7 मालूम है तुम्हें कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट बी ऑन दिस लाइन फ्रॉम ए एट अ डिस्टेंस ऑफ डी
क्या है ये x1 plus minus cnd, then y1 plus minus md और z1 plus minus md, ये है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन एट डिस्टेंस d फ्रॉम t। क्या है ये x1 के लिए minus 1 plus minus l यानी 2 by 7, d यानी 3, y1 के लिए 2 plus minus md यानी 3 by 7, d के लिए 3, छड़वन के लिए क्या है यार माइनस थ्री प्लस माइनस एन यानी सिक्स बाय सेवन डी यानी फिर क्या है ये सॉल्व करो इसको माइनस सेवन प्लस माइनस सिक्स बाय सेवन फोरटीन प्लस माइनस नाइन बाय सेवन देन माइनस ट्वेंटी वन प्लस माइनस एटीन बाय सेवन फिर कितना आ रहा है ये माइनस सेवन प्लस सिक्स यानी माइनस वन बाय सेवन फोर्टीन प्लस नाइन ट्वेंटी थ्री बाय सेवन माइनस ट्वेंटी वन माइनस थ्री बाय सेवन है देन ये नीचे से माइनस सिक्स माइनस माइनस थर्टीन बाय सेवन फोर्टी माइनस नाइन फाइव बाय सेवन और ये माइनस थर्टी नाइन बाय सेवन दिस विल बी द पॉइंट ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ए। ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 25 है। 26 के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 26 मालूम है क्वेश्चन नंबर 26 देख लो आपके ये दो तीन क्वेश्चन सेम टाइप के है इन्हीं की खतरा रहा तो मान लीजिए होमवर्क का सेम टाइप का क्वेश्चन रहे तो यू कैन सॉल्व योरसेल्फ यूजिंग द सेम मेथड। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 है ये 25 के लिए 24 के बाद 25 है क्या है 25 फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 163 है 163 यानी व्हाट x बाय 1 y माइनस 1 बाय 2 z माइनस 2 बाय 3 है। हाँ यहाँ पर ये सपोज ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यम है यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन समझता है ये इक्वल टू लैम्बडा लेना ये 1 उधर जाएगा ये 1 लैम्बडा ये टू इधर ज्यादा है टू लैम्बडा माइनस वन बिकम्स प्लस वन देन टू प्लस थ्री लैम्बडा ये यम देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम राइट डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम हाँ पीएम के लिए देखो चाहिए एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है डायरेक्शन रेशियो लैम्बडा माइनस वन y2 minus y1 ये 1 minus 6 यानी minus 5 plus 2 lambda बाद में 2 minus 3 यानी minus 1 plus 2 lambda then direction ratio of line क्या है 1 ये ना a b c 1 2 3 देख लो a1 b1 c1 you know very well क्या है ये a2 b2 c2 है ये दो लाइंस है ना डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम ये इसके रेशियो लाइन के रेशियो हाँ क्या है ये सिंस मालूम है पीएम परपेंडिकुलर टू लाइन यानी व्हाट ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो डॉट का प्रोडक्ट जीरो देख लो फिर वन इंटू लैम्बडा माइनस वन बाद में क्या है टू इंटू माइनस वन प्लस टू लैम्बडा और थ्री इंटू माइनस वन प्लस टू लैम्बडा है ये टू लैम्बडा इस बोल को छिल नो हाँ क्या कहते हैं लैम्बडा माइनस वन माइनस टू प्लस फोर लैम्बडा माइनस थ्री प्लस सिक्स लैम्बडा इक्वल टू छिल कितना होता है ये देख लो ये सिक्स प्लस फोर है देख लो बस हाँ वन टू थ्री बाद में क्या है ये लैम्बडा माइनस वन ये लैम्बडा एक्स टू माइनस एक्स वन 1 minus 6 minus 5 then minus 2 minus 1 plus 3 lambda minus 1 plus kya hai ye ye 3 lambda ye 3 lambda yani what ye 3 lambda minus 3 aur ye 3 3 ka kitna tha 9 lambda 9 plus 4 13 13 plus ye 9 plus 4 13 plus 1 14 lambda phir kitna ye ye minus माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन यानी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो फिर ये लैम्बडा इक्वल टू कितना ये
लैम्डा इक्वल टू कितना आता है 6/14 है, देख लो 6/14 वन, देन सेकंड वन ये माइनस कितना आता 10, सॉरी देख लो ये कितना होना 2-5, ये क्या है -5 + 2 लैम्डा, -5 कितना होता है -10 ना, ये -10 और प्लस कितना ये 4 लैम्डा है, फिर कितना आ रहा है टोटल ये 13 + 1 = 14 लैम्डा, और ये माइनस कितना आता है 14 = 0 लैम्डा = 1 लैम्डा रैंडम वहां पर ये हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी एम, एम कहां पर है नीचे 1 वो लास्ट वन ये वाला एम, एम यानी यहां पर ले लूंगी ना, और क्या ये 1 + 1 यानी 1 + 2 यानी 3 और 2 + 3 यानी 5, ये है 1, 3, 5 फुट ऑफ परपेंडिकुलर और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी पीएम डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है डिस्टेंस यानी पी देखो 1 - p यानी 1 0 का स्क्वायर, देन 3 - 6 यानी थीटा स्क्वायर 9, देन 5 - 3 यानी 2 का स्क्वायर 4 कितना आता है ये अंडर रूट ऑफ 13, ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन ए 25 के लिए, ऑप्शन ए बाद में 26 के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 26 सेम वन, क्वेश्चन नंबर 26 आल्सो सेम टाइप में है, दो तीन टाइप के क्वेश्चन है, अगर ये लिखा रहा तो तुम होमवर्क सॉल्व करो, या फिर 26 के लिए देखो, 26 के लिए देखो क्वेश्चन क्या है ये, हाँ अगेन सेम 2, 3, -8 ये पॉइंट है हमारा पी, यहां से परपेंडिकुलर इज ड्रॉ, ये लाइन है, लाइन है 4 - x/2 y/6 1 - z/3 माइनस कॉमन लो, ऐसा होना ये x-4 / - से ऊपर माइनस से नीचे मल्टीप्लाई y/6 और ये z-1 / -3 यानी लाइन के रेशियो कभी भी याद रखो a1 + c1 ये रेशियो है -2, 6 - 3 देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी m, यम समझता ना यम कि यम यानी पॉइंट ऑन लाइन यानी इक्वल टू लैम्डा लेना कितना ये सॉरी इक्वल टू लैम्डा सेम वन -2 लैम्डा -2 लैम्डा -4 उधर जाके क्या मिलता है एक्स के लिए 4 वाई के लिए 6 लैम्डा और छड़ के लिए -3 लैम्डा ये -1 उधर जाके +1 है पीएम देन पीएम के रेशो डायरेक्शन रेशो ऑफ पीएम ए टू बी टू सी टू हाँ क्या ये x2 - x1 4 - 2 यानी समझता नहीं रेशो के लिए 4 - 2 यानी 2 - 2 लैम्डा 6 लैम्डा -3 और 1 - -+8 यानी 9 है ना -3 लैम्डा ये 1 - -+ पॉइंट देख लो बराबर हाँ देन क्या ये a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 हाँ फिर क्या ये -2 × 2 - 2 लैम्डा देन +6 × 6 लैम्डा - 3 बाद में -3 × 9 - 3 लैम्डा = 0 फिर क्या ये -4 + 4 लैम्डा + 36 लैम्डा - 18 - 23 + 9 लैम्डा फिर कितना ये 36 + 9 = 45 और ये 4 यानी 49 लैम्डा अब देखो ये कितना है ये है ना 27 और 18 यानी 45 और ये 4 -14 = 0 लैम्डा इक्वल टू नंबर से 1 1 ले लो वहां पर ये हम यानी यानी और लैम्डा का भी यहां पर 1 होगा 4 - 2 यानी 2 6 × 1 यानी 6 1 - 3 यानी -2 2, 6 - 3 है ये क्वेश्चन नंबर 26 के लिए 2, 6 - 2 अगर डिस्टेंस होना तो सेम डिस्टेंस फार्मूला पीएम क्या है पी कहा है हमारे लिए पी क्वेश्चन में पी 2 - p है ना ये पी के लिए 2, 3 - 8 x2 - x1 यानी 0
y2 माइनस y3 का स्क्वायर 9 है ना, 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर, देन माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 8 का स्क्वायर कितना आ रहा, फिर ये 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 45 आता है, 45 यानी 3√5। ये है क्वेश्चन नंबर 26 तुम्हारे लिए। देन क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, हाँ 27 में क्या है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन इक्वल टू लैम्डा एन। फोर क्वेश्चन नंबर 27, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन लाइन ये जाता है ना, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 ये क्या होता है, माइनस 3 लैम्डा, अब झटका में लैम्डा ये, ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है व्हाट, डी 4√14 फ्रॉम दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1 -1 0। ये दोनों का जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों का जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये लाइन के रेशियो मालूम है ना, लाइन के रेशियो देख लो, ये लाइन का जो रेशियो है, अब ये लैम्डा का वैल्यू डोंट नो, ये m है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन लाइन, यहां पर तुम कौन सा भी ले सकते हैं, इसका डिस्टेंस याद रखो सिर्फ, ये p यानी व्हाट, 1 -1 0 एंड डिस्टेंस यानी व्हाट, 4√15। अब देख लो ये चेक करने के लिए बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं ऑप्शन ए चेक करता पहले, ए के लिए क्या है 9 -13 4 एंड ये p है ये 1 -1 0, देखो डिस्टेंस आता क्या, तो ये भी सॉल्व होता, ये थोड़ा नहीं है इसके लिए डायरेक्टली, यू कैन एग्जामिन द डिस्टेंस, 8 का स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस है, ये h2 y2 माइनस y1 12 का स्क्वायर 144, ये 4 का स्क्वायर 16, फिर कितना ये होता ना, हाँ ये 9 -1 8 का स्क्वायर 64 12 का स्क्वायर 144, ये 4 का स्क्वायर 16, 160 प्लस 64 यानी 224। अब 224 के लिए इसको हम कैसा यूज कर सकते, 16 वन दा फिर 6 बचते यानी 6 बचते यानी 4 होगा ना, 4√59 ये ऑप्शन ए के लिए है, ए के लिए पहला पॉइंट है, लेकिन क्या होना दूसरा भी पॉइंट बना, इसके लिए ऑप्शन ए और बी में है पॉइंट 9 -13 4। अब सेकंड ऑप्शन देखो, सॉरी ये ऑप्शन में एक पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट है ना ये ऑप्शन में -7 -11 4, अगेन उसके लिए 1 -1 0, फिर ये डिस्टेंस कितना आता है, डिस्टेंस ए कितना है, -8 का स्क्वायर 64 ये कितना आता है, 8 का स्क्वायर 100 प्लस 4 का स्क्वायर 16 कितना आ रहा है, डिस्टेंस कितना आ रहा, 180 आता, 180 इज नॉट इन दिस फॉर्म, यानी ये ए ऑप्शन ओनली वन पॉइंट है और ये सेकंड नहीं है, लेकिन लास्ट ऑप्शन में ए भी आता, अब यू कैन आफ्टर लेने के बाद ये लास्ट ऑप्शन डी के लिए क्या है, ये -11 है ना, वहां पर +11 ले लो, यानी कितना आता है यहाँ पर 144, यानी दोनों डिस्टेंस क्या आते फिर 224 यानी 4√14, ये तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर लास्ट 27 के लिए, 27 के लिए ऑप्शन नंबर है लास्ट। देन 28 के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तुम सेम वे सॉल्व करो, मैं क्या बोल रहा, 28 के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुम सेम वे सॉल्व करो, 28 के लिए विल बी फॉर होमवर्क और थ्योरी का क्वेश्चन है आई थिंक, 28 के लिए ऑप्शन नंबर सी। देन 29 फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, 9 के लिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है सेम क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इसके लिए सेम है, लेंथ और फुट दोनों क्वेश्चन नियर अबाउट सेम है, ये ए ऑप्शन है। हमने यहां पर एक बार लास्ट क्वेश्चन में एक बार पॉइंट निकाले फुट ऑफ परपेंडिकुलर और दोनों का पीएम का डिस्टेंस लेना, एक क्वेश्चन में क्या है 28 में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है और 29 में फुट ऑफ परपेंडिकुलर है यार। देन ये 30 के लिए, 30 के लिए क्वेश्चन देख लो, अगेन फुट ऑफ परपेंडिकुलर विद पोजीशन वेक्टर क्या है, यानी पी पहला पॉइंट 1 है
I plus 4k यानि what 104 then passes through point है minus 11j plus 3k and 2i minus 3j plus k ये क्या है मालूम ना b equation क्या था फिर ये समझता है x minus इधर x1 कुछ भी नहीं by a ये है b तुम्हारे लिए x minus x1 नहीं यहाँ पर by 2 y minus 11 plus 11 by minus 3 अब छेद minus 3 by 1 ये 9 है ना और ये again 30 क्वेश्चन में foot top और perpendicular सेम क्वेश्चन है ये p और इससे तुम any point on line और बाद में ratio ये 30 में तुम सॉल्व कर सकते उसके लिए b ऑप्शन है 28 29 30 ये दोनों सेम है ये तीनों भी क्वेश्चन सेम है इसके लिए ये बी ऑप्शन है यहां तक क्वेश्चंस विल बी ऑन फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ